देखिए देश दुनिया की बड़ी खबर। जेएनयू में माहौल खराब करने की एक बार फिर कोशिश हुई है। अब शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर हंगामा हुआ है। एबीवीपी ने आरोप लगाया कि एसएफआई से जुड़े छात्रों ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा को उठाकर फेंक दिया और उसकी माला को कूड़े के डब्बे में डाल दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा ने भी प्रीमियर वेरिफिकेशन सर्विस का ऐलान कर दिया है। यानी अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी वेरीफाइड अकाउंट यानी ब्लू टिक के लिए पैसे चुकाने होंगे। वेब के लिए इसकी कीमत $11.99 यानी ₹993 और iOS के लिए $14.99 यानी ₹1241 निर्धारित की गई है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया ने संयुक्त हवाई अभ्यास के एक दिन बाद ही उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से छोटी दूरी की दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी दी गई है। 48 घंटे के भीतर उत्तर कोरिया ने दूसरी बार बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। फरवरी का महीना अभी बीता भी नहीं है और उत्तर और पश्चिम उत्तर भारत के कई इलाकों में पारा तेजी से चढ़ने लगा है। पश्चिमी तटीय इलाकों में लू की स्थिति पैदा हो गई है तो पहाड़ी इलाके भी गर्म हो गए हैं। शिमला, सोलन और डलहौजी जैसे पर्यटन स्थलों पर अभी से भीषण गर्मी महसूस की जाने लगी है। इससे ठंड का आनंद लेने पहुंचे सैलानियों को निराशा हाथ लगी है और वे लौटने लगे हैं। दिल्ली में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के अशोक रोड स्थित घर पर कथित रूप से हमला किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ओवैसी ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है। कहा जा रहा है कि हमला अज्ञात लोगों ने किया था। भारत सरकार के CEO अनंत नागेश्वरन ने कहा कि सरकार ने बद से बदतर हो रही स्थिति से बचाया। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन का मानना है कि अर्थव्यवस्था सुनहरे दौर से गुजर रही है, खासकर तब जब वैश्विक हालात अच्छे नहीं है। इस दौरान हमने सरकार की तमाम योजनाओं और कोशिशों का परिणाम देखा है। आगे भी हमारी योजना इसी तरह की रहेगी। ब्राजील की सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य साओ पाओलो बाढ़ और भूस्खलन से बुरी तरह प्रभावित है। ब्राजील के अधिकारियों ने रविवार को कहा कि उत्तरी साओ पाओलो राज्य के कई शहरों बाढ़ और भूस्खलन के कारण गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने बताया कि बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 24 लोगों की मौत हो गई है और यह संख्या अभी भी बढ़ सकती है। भारतीय और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक 2023 का चौथा संस्करण आज से 5 मार्च तक पैथौरागढ़ में आयोजित किया जाएगा। इस संयुक्त अभ्यास में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व पश्चिमी कमान की 14वीं बटालियन द गढ़वाल राइफल्स करेगी, जबकि उज्बेकिस्तान सेना का प्रतिनिधित्व उज्बेकिस्तान सेना के उत्तर पश्चिमी सैन्य जिले के सैनिक करेंगे। इस संयुक्त युद्धाभ्यास का उद्देश्य सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वह राज्य के पूर्वी जिले मोन में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। नागालैंड की कुल 60 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को मतदान हो रहा है। अमेरिका में आए दिन गोलाबारी की घटनाएं सामने आ रही है। ताजा मामला टेक्सास का है, जहां गोलीबारी की घटना में 3 किशोरियों और बंदूकधारी की मौत हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि 3 किशोर लड़कियों, जिनमें एक गर्भवती थी, को एक व्यक्ति ने बुरी तरह से गोली मार दी। आरोपी ने 12 साल की एक लड़की का यौन उत्पीड़न भी किया था, जो बाद में भाग निकले। इसके बाद आरोपी बंदूकधारी ने खुद को गोली मार ली। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।